नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, दवा लेने के बाद भी खांसी या फिर बुखार ठीक नहीं हो रहा है तो इसे नजरअंदाज नहीं करें, क्योंकि इन दिनों अस्पतालों में वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। आमतौर पर 2 से 3 दिनों में वायरल ठीक हो जाता है, लेकिन इसके ठीक होने में सप्ताह भर से अधिक का समय लग रहा है। डॉक्टर्स की माने तो अगर आपको खांसी हो रही है और रुक नहीं रही है और सांस फूल भी रही है तो तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं। यह अपर रेस्पिरेटरी की वजह निमोनिया भी हो सकता है। बता दें, भोपाल के अस्पतालों में रोजाना 1000 से अधिक मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। वही वायरल बुखार आमतौर पर साधारण बुखार की तरह ही होता है। आपको बताते चले, डॉक्टर्स के अनुसार शरीर में तेज दर्द, गले में खराश और दर्द एवं त्वचा पर हल्के धब्बे पड़ना एवं मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, कमजोरी महसूस होना, सिर दर्द होने के साथ साथ तेज बुखार, खांसी की शिकायत सहित अन्य लक्षण वायरल बुखार से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। वहीं एम्स भोपाल के मेडिसिन विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश जोशी ने बताया है कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी माह में मौसम बदलता ही है और इसके साथ कुछ संक्रमित रोगों का प्रभाव बढ़ जाता है। इसमें खांसी, जुकाम और हल्का बुखार होना शामिल है। बीमारियों की रोकथाम के लिए सावधानियां बरतना जरूरी है। इसके लिए खासतौर पर यह ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता है कि ठीक से हाथ धोए जाए। घर में किसी भी व्यक्ति को खांसी, सर्दी और जुकाम है तो उस व्यक्ति और अधिक ज्यादा उससे दूरी बनाकर रखें, वहीं ताकि संक्रमण को रोका जा सके। डॉक्टर रजनीश जोशी ने बताया है कि आमतौर पर 2 से 3 दिनों में वायरल ठीक हो जाता है। वहीं कुछ प्रकार के ऐसे इन्फेक्शन ठीक होने में लंबा समय ले लेते हैं। अगर आपका बुखार ठीक हो गया है, खांसी कम हो गई है तो यह कह सकते हैं कि यह ठीक होने की तरफ बढ़ रहा है।